अध्याय सात, स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता। सर्वदा सबके लिए समान है। स्थापित संबंधों में निहित मूल्यों का परिवर्तन किसी भी देश, काल, स्थिति में नहीं है। यही स्थायित्व का लक्षण और अनिवार्यता का मूल कारण है। ये तो हमको स्पष्ट ही है सबको कि किसी भी धरती पर स्थापित संबंधों में निहित मूल्य बदलेंगे नहीं। मूल्य सदा सदा के लिए अपरिवर्तनीय ही है। पूरी धरती पर सभी देशों में ये समाये जाते हैं ना। काल और स्थिति परिस्थिति अनुसार मूल्य बदलते नहीं है। यही मूल्यों में स्थायित्व है। मूल्यों की अपरिवर्तनीयता ही इसके अनिवार्यता का मूल कारण है। तो स्थापित संबंध सात है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र मित्र संबंध और व्यवस्था संबंध। सारे संबंध यही सात संबंधों में समाये हैं। हर संबंध में निश्चित अपेक्षाएं हैं जो मूल्य ही है। इस प्रकार के स्थापित मूल्य प्रधानतः नौ है, जो निम्न प्रकार है: कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान और स्नेह। ये नौ स्थापित मूल्य हैं। यही नौ सामाजिक मूल्य मानवीयता सहज प्रयोजन में प्रत्येक व्यक्ति के आचरण का आधार है। इनमें विश्वास साम्य मूल्य है, हाँ, जो हर संबंध में होना पाया जाता है या होना आवश्यकता है। हम ये अभी की स्थिति में भी देख पा रहे हैं। हर संबंध की नींव विश्वास के आधार पर ही है। इसको आंशिकता में अभी भी हम जीते हुए स्वयं में देख सकते हैं। विश्वास के बिना कोई संबंध सार्थक नहीं है। और प्रेम मूल्य पूर्ण मूल्य है। सारे मूल्य प्रेम मूल्य में समाहित है, इसलिए प्रेम मूल्य को पूर्ण मूल्य कहा है। व्यवहार निर्वाह काल में उक्त स्थापित मूल्यों के साथ आचरण प्रक्रिया शिष्टता रहती है, जो क्रमशः सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्दता तथा निष्ठा है। यही शिष्टता है जो स्थापित मूल्य में समर्पित रहती है, जो प्रसिद्ध है। ऊपर दिए हुए पैराग्राफ में जो हमने अभी पढ़ा, उसमें स्थापित मूल्य को व्यवहारिक करते समय शिष्ट मूल्य जो है उसकी वो बताए हैं। स्थापित मूल्य बीज रूप में हर मानव में होते ही हैं। मूल्यों की स्पष्ट समझ हम में अध्ययन से आती है। मानव में एक अनिवार्यता भी है। यही मानव में एक अनिवार्यता भी है। मूल्यों का निर्वाह ही मानव में शिष्टता है, जो इस शिष्ट मूल्य के द्वारा दिखता है। यही विचार संस्कृति यही मानव में विचार और संस्कृति का आधार है। आगे लिखा है, इसलिए शिष्टता पूर्वक स्थापित मूल्य निर्वाह के बिना मानव में अखंडता व उसकी अक्षुण्णता संभव नहीं है। सामाजिक स्थापित मूल्य शिष्टता के साथ व्यवहारिक सुगमता के रूप में है, जो बौद्धिक समाधान है। शरीर निर्वाह संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भौतिक समृद्धि की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को साम्यतः पाया जाता है। जो हमने अभी पढ़ा ही है कि सभी मानव में इन मूल्यों की आवश्यकता साम्यतः पाई जाती है। हर संबंध में निश्चित अपेक्षाएं हैं, जो हर मानव में समान रूप में होना पाया जाता है। इसी को ही हम मूल्य कहते हैं।
संबंधों में निर्वाह से उभय तृप्ति होती है वही संबंधों में न्याय है, यही जीवन सुख है, मानव में यही समाधान है। मूल्यों का निर्वाह शरीर पोषण और संरक्षण के अर्थ में है। संरक्षण के अर्थ में वस्तु के नियोजन के बिना पूरा नहीं होता। ऐसे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकताओं को सभी मानवों में पाया जाता है। हम अभी भी देख ही सकते हैं कि हर संबंध को व्यवहारिक करते समय हमको भौतिक वस्तुओं की भी जरूरत होती है जो शरीर के पोषण संरक्षण के लिए है। और इसी से ही मूल्यों का निर्वाह पूरा होता है। यह आवश्यकता हरेक मानव में हमको दिखती है। आगे लिखा है, भौतिक समृद्धि के लिए ही मानव उत्पादन करता है, जिसकी उपयोगिता महत्वाकांक्षा व सामान्य आकांक्षा की सीमा में निहित है। यह माने उत्पादन, यहाँ पे यह से मतलब है उत्पादन भी जीवन का एक अविभाज्य आयाम है। यह स्पष्ट है कि उत्पादन मानव जीवन का सर्वस्व नहीं है। यही कारण है कि मानव सामाजिक आर्थिक राजनीति को पालन करने के लिए बाध्य है ना। तो यहाँ पे ऐसे कहा जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना या साधनों का होना, यही भाव मानव में समृद्धि है। उत्पादन हेतु हर मानव अपने तन मन धन को नियोजित करता ही है ना। तन मन धन का सदुपयोग ही धर्म नीति है और इस अर्थ की सुरक्षा ही राजनीति है। इस तरह मानवीयता में जीते हुए हर मानव तीनों नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य है। व्यवहारात्मक जनवाद का आधार केवल न्याय ही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही न्याय का याचक है ना? तो व्यवहारात्मक जनवाद क्या हुआ? तो मानव की परस्परता में न्याय हो, इस आशय से की गई चर्चा, संवाद और वार्तालाप, यही व्यवहारात्मक जनवाद है। आगे, यही नीति त्रय की समन्वयता की एक सूत्रता का भी कारण है। साथ ही जनवादी चिंतन, निरीक्षण व स्पष्टीकरण का आधार भी है। व्यवहार का आधार न्याय ही है। हाँ, तो यहाँ कहा जा रहा है कि तीनों नीति के एक सूत्रता का कारण न्याय ही है। जागृत मानव के चिंतन, निरीक्षण व स्पष्टीकरण का आधार भी न्याय ही है। जीते हुए मानव मानव की परस्परता का आधार भी न्याय ही है। मानव की परस्परता में आश्वस्त विश्वस्त होने का आधार ही न्याय ही है। अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही शिष्टता की अभिव्यक्ति तथा अर्थ का सदुपयोग है। अर्थ से मतलब है तन मन धन। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता ही न्याय है, जो तीनों नीति की एक सूत्रता में स्पष्ट होता है। यही सार्वभौम आवाज आ रही है क्या? अच्छा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस मुझे दिख रही है। समीर भाई ने लिखा है कि डिस्टर्बेंसेस, नेटवर्क नहीं है। आप मुझे कृपया बता दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद कमलेश भैया, अजय भैया। यही सार्वभौम कामना है जो व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में
परिवार के सहयोग एवं सहकार्य में, समाज के प्रोत्साहन एवं प्रेरणा में, राष्ट्र के संरक्षण तथा संवर्धन में एवं अंतरराष्ट्रीयता के अनुकूल परिस्थिति एवं एक सूत्रता में चरितार्थ होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि न्याय व्यक्ति में समाधान के रूप में चरितार्थ होता है, न्याय परिवार में सहयोग एवं सहकार्य में शांति के रूप में प्रमाणित होते हुए लिखता है, समाज में प्रोत्साहन एवं प्रेरणा में संतुलन प्रमाणित होने के रूप में न्याय है, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में धरती स्वर्ग होने के रूप में न्याय चरितार्थ होता है, यही सर्व मानव की कामना मांगल्य शुभ यानी सर्व शुभ के अर्थ में, संगीत यानी संगीतमयता, हारमोनी, तालमेल, व्यवस्था में विश्वास और वांछनीय अनिवार्यता, जो हर मानव में न्याय की अनिवार्य इच्छा होती ही है, इसी को वांछनीय अनिवार्यता कहा है, इसका तीव्र हो जाना यही एक विकल्प विहीन आवश्यकता है, इसका प्रतीत होना ऐतिहासिक उपलब्धि, हाँ यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हम कह सकते हैं, नियति क्रम स्थिति, अखंडता, समाज में एक सूत्रता जो धर्म समानता में दिखती है, और अभयता, समाज में हर मानव में सतर्कता एवं धरती पर स्वर्ग है। आगे लिखते हैं, अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्यों के निर्वाह से ही शिष्टताएं समर्पित है, यह तो स्पष्ट ही है, स्थापित मूल्यों का निर्वाह शिष्ट मूल्यों से ही है, अर्थ का सदुपयोग मानवीयता में चरितार्थ होता है, जो जागृति क्रम में पाई जाने वाली सुखद स्थिति है, क्योंकि देवपद चक्र में सामाजिकता है, जबकि भ्रांति पद चक्र में यह नहीं है। यहाँ कहा है कि अर्थ तन मन धन का सदुपयोग दो अर्थों में देखा जाता है, सेवा और उत्पादन में तन मन धन का नियोजन, संबंधों में जीते हुए प्रयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन का सदुपयोग है, समाज गति के अर्थ में समाधान समृद्धि वर्तमान में विश्वास होने के अर्थ में, व्यवस्था के लिए सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तन मन धन का नियोजन है, यही सुरक्षा है, यही सामाजिकता में अनिवार्य भी है। आगे पदचक्र की बात की है, तो जैसे हमने देखा है कि विकास क्रम विकास और जागृति क्रम से प्राणावस्था का प्रकटन होना, प्राणावस्था से जीवावस्था का प्रकटन होना, चैतन्य होना मतलब जीव पूरी जीव अवस्था का प्रकटन हम देख सकते हैं वहां पे, और इसी क्रम में मानव शरीर का बनना, समृद्धि पूर्ण मेज का बनना, उसके उस संयोग जीवन चैतन्य परमाणु का इसके साथ में संयोग, तो मानव भ्रांत मानव के रूप में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और 10 क्रिया, हाँ इसको पहले देखते हैं कि ये चक्र कैसे है। तो पदार्थ अवस्था में पानी, उष्मा, ताप, दाब के योग संयोग से पदार्थ अवस्था का प्रकटन है, पेड़ पौधे सूखने के उपरांत फिर से मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, यह एक चक्र है जिसे प्राणपद चक्र कहा है, सूखे हुए पेड़ पौधे, पत्ते, पानी, उष्मा, ताप, दाब के संयोग से कीटक, भुंगी या छोटे कीड़े मकोड़े होना हमको समझ में आता है, इसी क्रम में जीवावस्था के शरीर का प्रकटन हम समझ सकते हैं। जीवावस्था से ही मानव शरीर का प्रकटन होना संभावना है, जागृति के अभाव में मानव का जीना जीव जैसा ही है, इसको ही भ्रांत पद चक्र कहा है,
अध्ययन या अनुसंधान से हर मानव समझ सकता है, हर मानव में 10 क्रिया पूर्ण होने की संभावना भी दिखती है। मानव जागृति को पाता है, ऐसा जागृत मानव आचरण की पूर्णता के साथ दिव्य कहलाता है। यह देव पद चक्र है जिसमें दिव्य मानव पदमुक्ति है और यही मोक्ष है। यहाँ स्पष्ट है, देव पद चक्र में मानव समझदार मानव के रूप में मानवीयता पूर्ण आचरण में जीता है, जो सामाजिकता का प्रमाण है। जबकि भ्रांत पद चक्र में जागृति के अभाव में मानव स्वयं को शरीर मानकर जीता है और जीव चेतनावश जीता हुआ पाया जाता है, जिसमें सामाजिकता का अभाव है। शिष्टता आगे लिखा है, शिष्टता में विविधता की संभावना देश कालावश है। ने आहार, कपड़े या घर की रचना में भिन्नता पाई जाती है, देशों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि बेसिकली आहार, आवास, अलंकार का प्रयोजन शरीर पोषण संरक्षण के लिए है ना। विभिन्न देशों के वातावरण और कालानुरूप देश इसको व्यवहृत करने का तरीका बदल जाता है, बट इसका जो प्रयोजन है वो वही रहता है। तो शिष्टता में बदलाव दिखता है, पर स्थापित मूल्यों में कोई बदलाव नहीं दिखता। आगे, अर्थ के सदुपयोग में तथा स्थापित मूल्यों में विकल्प नहीं है, यही अखंडता एवं अक्षुण्णता का मूल तथ्य है। इससे ही अनुप्राणित जीवन, नित्य कार्यक्रम, उत्सव, समृद्धि, समाधान, उत्साह, सफलता, स्थिरता, शांत, संतोष एवं सुख का अनुभव करता है। यही कामना मानव में अनंत काल से है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हर मानव तन मन धन का उपयोग सदुपयोग करता ही है। परिवार और समाज में मानवीयता पूर्ण आचरण में जीकर न्याय को प्रमाणित करता ही है और सुखी होता है। यही आकांक्षा इच्छा मानव में अनंत काल से होना समझ में आता है। इसको हम स्वयं में भी देख सकते हैं। इस तरह स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्याय है। इसकी अनिवार्यता हमेशा सबके लिए समान है। तो यहाँ पे 7वां अध्याय पूर्ण होता है। कुछ 5-6 मिनट बचे हैं, प्रश्न को देखेंगे। मुझे एक मिनट दो। हाँ, प्रश्न एक ही मिला है यहाँ पे मुझे, सत्य प्रकाश भाई साहब ने पूछा है, हम सभी समझे के लिए अमानवीयता की सीमा में सामाजिकता की संभावना नहीं, ये मुझे नहीं स्पष्ट हुआ है। उसके पहले आपने पूछा है, आज की अव्यवस्था के रहते हुए इन मूल्यों को समाज में कैसे लाएंगे। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है, बट मैं स्वयं में ऐसा देखती हूँ भैया कि व्यवस्था किस स्तर पे हम व्यवस्था देख पा रहे हैं। अभी अध्ययनरत है तो मैंने ये माना है कि पहले तो व्यवस्था मुझमें ही दिखनी है। मुझमें व्यवस्था होने के आधार पे मैं परिवार को समझूंगी। परिवार में व्यवस्था होने के लिए मैं कुछ विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास करने के लिए बाध्य होंगी। बाद में ही समाज के लिए प्रयास है ना। तो अभी तो यही मेरे लिए बाध्यता है कि मैं स्वयं में व्यवस्था को देख पाऊं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इसकी एक और आत्मा, इसकी एक सूत्रता को मैं समझ पाऊं। मुझमें होने वाले जो संकट है या फिर क्लेश है या विसंगति है विचारों में, इसको मैं देख पाऊं और अध्ययनरत होकर उसका निराकरण कर पाऊं,
यही मेरे लिए पहले तो अभ्यास है या अनिवार्यता बनती है। और मैं मुझ में देख भी पा रही हूँ कि अगर हर मानव ऐसा स्वयं में व्यवस्था के लिए प्रयासरत हो तो बाकी का काम तो आसान ही हो जाता है ना। तो मेरी जितनी समझ है उतने दायरे में मैंने इसका उत्तर दिया है। आशा करती हूँ कि आपका समाधान हुआ होगा। आगे देखते हैं, कोई सवाल है क्या? नहीं, आगे मुझे कोई सवाल नहीं दिख रहा है। तो आज यहाँ पे पठन समाप्त करते हैं हम। सभी को धन्यवाद। यह हमारी अभी की स्थिति है जो भी हमने यहाँ पे व्यक्त की है। हमारी प्रस्तुति में कमी हो सकती है लेकिन दर्शन परिपूर्ण है। हम श्रद्धेय श्री ए नागराज जी की के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमें इस अभियान में जिनसे योगदान सहायता मिली है उन सभी के प्रति कृतज्ञता ना, सभी प्रबोधकों के प्रति कृतज्ञता। विशेष रूप में राकेश भाई जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें अवसर दिया अपने आप में फिर से एक बार जांचने का। और आप सभी का बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद। नमस्कार।